एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं अश्लील इंस्टाग्राम के जीव, अश्लील इंस्टाग्राम रील रोल्स। एंड दिस वीडियो इज बाय ट्राई टू गो। तो इनका नया वीडियो आया है और इसके पहले भी हम शायद इनके चैनल, मतलब इनके निब्बा निब्बी का रोल्स देखा था हमने। इसके पहले नहीं, निब्बा निब्बी नहीं, वन ऑफ द इंस्टाग्राम लाइक इन्फ्लुएंसर का रोल्स देखा था। सो मतलब आज तो मतलब इंस्टाग्राम की मतलब अश्लीलता के बारे में आज बताने जा रहे हैं फिर से। तो बेसिकली ट्राई टू गुड का मतलब रोस्टिंग और उनकी व्हाट वी कैन से जो बोलने का अंदाज है, जो तरीका है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। और लॉजिकली जो सारे पॉइंट पुट अप करते हैं दैट इज लाइक प्रीटी मच नाइस, आई लव्ड इट। सो मतलब फेस तो है, मतलब वी डजंट शो हिज फेस, विदाउट एनी फेस जस्ट लाइक एडिटिंग ऑन ऑल वी कैन से रोस्ट होता है इसमें, विच इज आई लव इट। सो ये जो वीडियो है बट ट्राई टू गुड, हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते। ये क्या था? तो आ गए सब सही सलामत, कोई फटा पिटा तो नहीं? नहीं? तो आज हम फिर से चलेंगे इंस्टाग्राम के नमूना घर में। वैसे तो हम वहीं पड़े रहते हैं, अब सोचा है कमरा भी ले लूं वहीं पर, क्योंकि ना व्यूज मिलते हैं ना सब्सक्राइबर मिलता है। तो बस आज हम मिलने वाले हैं कुछ चुल्लू भर इन भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से। मैं तो डर गई, जिन्हें देख कर कुछ लोगों के जज्बात खड़े हो जाते हैं और कुछ के जज्बात कहते हैं अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही समाज सेवियों को विशेष गाली है, मेरा मतलब है कि विशेष टिप्पणी करेंगे। तो लगा लो अपने फोन के आगे पीछे का ठेकला में ईयरफोन और शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंट्रो लगाया जाए। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? वेल डन। नहीं बक्सी साहब, इनके अनुसार ये सरकारी नल है जहाँ पानी निकलता है। अरे आंटी, तुम्हारा सैया बाब क्या रील्स वाकर अपनी दुकान मटकाओगी? और ज्यादा ही जवानी सूख रही तो अपने सैया का नल ठीक कराओ ना। यहाँ पर क्यों लोगों के नल खड़े? मेरा मतलब है कि क्यों हवस की बीमारी फैला रही हो? मतलब लाइक और फॉलो के लिए कुछ भी करेंगे। क्या बोले अभी? देखो भाई लोग, बुरा मानने की बात नहीं है, अपनी जिंदगी धन्य हो गई। तो अब तुम्हारा भाई जा रहा हवा में समाधि लेने के लिए। हो गई देश की ऐसी की तैसी। भाई 10 साल के भी नहीं है अभी, आंगनवाड़ी में मिड डे मील खाने की उम्र में साढ़े एक दूसरे लगे बस तुम्हारी संकट में। अब साले बर्बाद हो गया देश और तू संकट में लटका पड़ा अभी तक। और इन छोटे छोटे बकरेटों को देखकर मेरे मन में एक सवाल हर बार हक जाता है कि मैं इतने गलत टाइम पर पैदा क्यों हुआ? मेरे से आगे वालों की शादी हो चुकी है, लड़की डसने में लगे हुए हैं यार। और इन सब के बाद बच्चा मैं, केलेपन का प्रतीक, सिंबल ऑफ अखंड सिंगल जीव। बात तो सही है। मैं तो डर गई। ये तुमने कैसे बजाई? ये तो तुम बजाती है, माने मेरे से कहा था, बताओ। मैं तो डर गई। हैं? ये असली है? अबे साले बेटी, तू डरी नहीं, बस इतनी सी बची है। कोई से पहले भरपेट खाना खिलाओ, इन्फ्लुएंसर से बाद में बनाएंगे, नहीं तो पता चला किसी ने छींक मारी और शक्तिमान की तरह उड़ गई है राम प्यारी। सालों कुछ खा पी के डर मर जाओ, क्यों कुपोषण का ऐड कर रहे हो? मैं तो डर गई। बताओ यार, 2 फीट का बेल्ट भी सांप की तरह 2-3 लपेटे खाए हुए पड़ा है कमर में। और तू फिर से बिना खाए पिए आ गई? अब तू नाजुक नहीं, कतई मरी हुई मूसी है जिसे 5 बार पोलियो 3 बार कुपोषण हो चुका है। चल अब दफा हो। नाजुक हिरनिया, तेरे से ज्यादा अष्टपुष्ट तो मेरी गाली होगी। नाजुक हट। अरे मोदी जी क्या सीन, 1 मिनट रुको, मैं अपने गांव वालों को बुला लेता हूँ। देखो सभी गांव वालों, रामदेव का चर्बी वाला वर्जन जो हागने की पोजीशन में चर्बी घुमाना सिखा रहा है। धन्यवाद। ऐसे ही तो बनते योग गुरु बाबा। अरे आंटी गैस पास नहीं हो रही तो चूरण खा लो, क्यों अपने चर्बी के थैले की माँ बहन करने पर तुली हो? ये मतलब हमारे देश में रेल की पटरी सिर्फ 2 ही काम आती है, पहली ट्रेन चलाने के और दूसरी हगने के। सुबह लोग बोतल लेके हगते हैं और उसके बाद लोग फोन लेके हगते हैं। ओ तू तक तू तक
जहाँ पर दही जमा रही हो ना, वहाँ लोग सुबह सुबह हक कर जाते हैं, तो ध्यान से फिसल के औंधे मुंह पड़ोगी, सारे दही के बर्तन फूट जाएंगे। और कहीं गलती से ट्रेन आ गई तो दही के साथ अखबार में आओगी सुबह। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं, टट्टियों में नाचने वाले प्रोफेशनल होते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? ये एक और सनसनी इंस्टाग्राम का। इस देश में ना खाने की कमी हो सकती है, पैसों की कमी हो सकती है, पर नमूनों की कभी नहीं। हर गली मोहल्ले में ठूस ठूस कर कूट कूट कर भरे हुए हैं। इनमें से कोई हकते हुए वीडियो बना रहा है, कोई बाथरूम में वीडियो बना रहा है, और ये घर वालों ने ट्राई करने के लिए भेजी थी, वो तो हुई नहीं। पानी पाइप चालू करके बदनामी का बदला ले रही है। धन्य वर तुम्हारी, कल को ये बदला लेने के चक्कर में गटर में भी लौट जाए ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आ गई नौकात पर। किसी ने सची कहा है, once a sewer always a sewer. Excuse me. योग के देख लियो, ये क्या है? टिकटॉक मर गया पर ये ऑन द लेफ्ट भी जिंदा है। तब लोग जोर से डंडा हॉकी बजाएंगे कि शक्ल तो काली है, पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल सुरख कर देंगे। लिख के देता हूँ। अरे और इनको कौन सा सुख प्राप्त होता है ऐसी घनमरी हरकत करने पर? तो बस आज के लिए इतने नमूने काफी हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओके, तो ये वाला रोज थोड़ा गली थोड़ा मतलब ज्यादा था इसमें, एंड ऑल्सो लाइक टॉकिंग अबाउट जो बदली वाली लड़की थी, और मतलब उसके बाद लाइक लिटिल वी कैन से फैट डाउन हुआ वे, तो मतलब ये नहीं बोलना चाहिए, दैट इज लाइक वी कैन से बॉडी शेप, मतलब मैं उसके खिलाफ हूँ। एंड मतलब मैंने भी बोला, मैंने ये बहुत पहली बार भी बोला है, मतलब ऐसा हरकतें मत करो, बट मतलब लाइक डूइंग ऑन लाइक बॉडी शेपिंग दैट्स नॉट ए गुड थिंग बाय द वे। एंड टॉकिंग अबाउट ये वाला जो रोज था, इट वॉज लाइक प्रीटी मच नाइस और गुड, मतलब ऐसा बोल सकती हूँ नाइस, बट थोड़ी गाली ज़्यादा थी, लेकिन मतलब एवरी टाइम जैसा मज़ा आता है मुझे, इसके पहले वाले जो वीडियो में मज़ा आया, मतलब इस वाले में थोड़ा मुझे वी कैन से कम आया, मतलब मेरा जेन्युइन ओपिनियन, बट प्रीटी मच मतलब कीप इट अप। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।